हे दोस्तों, देखिए आज हम बात करने वाले हैं वेदांता शेयर के बारे में। जहां देखिए आज पूरे मार्केट में गिरावट थी, वहीं वेदांता शेयर हमें 2% भागते हुए दिखा और इसने क्लोजिंग दी 283 पर। तो क्या वजह रही इसकी जो ये भागा है, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, क्या इसका सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या कारण है जो ये भागा है शेयर। चलिए सीधे चलते हैं नोटिस पर। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए इसके जो दो कारण रहे शेयर के भागने के, वो एक तो रहा कि एक जो नोटिस आया था रिजल्ट के रिगार्डिंग, इसका 28 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। साथ ही साथ एक ही नोटिस कल भी इसका आया था वेदांता का ही, 19 तारीख को। और इसमें जो बताया गया है कि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है बालको, आप देख सकते हैं, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये सब्सिडरी है वेदांता की। इसने जो है एक सक्सेसफुल बिडर के रूप में ये उभर के आई है। कोल माइन है छत्तीसगढ़ में, बड़ा कोल माइन, इसको बोली लगाई थी इसने और ये सक्सेसफुल बोलीदाता वहाँ पर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो देखिए कोल माइन है, यहाँ पर भंडार हैं 900 मिलियन टन्स के कोयले के, जो कि इसे आने वाले टाइम पे बिजली वगैरह या कोई और सेगमेंट में जिसमें भी कोयला यूज होता है वहाँ पर इसे हेल्प करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये न्यूज़ है, और फ्यूचर में आपको ये शेयर जो है 200 वो सॉरी 300 305 और दूसरा टारगेट 325 रुपये, इसमें शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकता है। और नीचे की ओर इसमें अगर बात करें तो इसका सपोर्ट रहेगा 278 रुपये का, तो ये सपोर्ट रहेगा, और रेजिस्टेंस आपको बता ही दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।